विन डीजल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और हम हैं हॉलीवुड में। एक्चुअली अभी हम अपने होटल में और यहाँ से अभी तैयार होकर निकल रहे हैं। मेरे आंखों के जस्ट सामने हॉलीवुड साइन मेरे को यहाँ से होटल के रूम से दिख रहा है। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, तो हॉलीवुड साइन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। लेकिन हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे और पास से देखने के लिए कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर भी आप लोगों को ऐसे दिखाना चाहूँगा कि होटल से रूम का व्यू कैसा है। तो आज दिन भर हम हॉलीवुड ही में ही गुजारने वाले हैं और कल हम आधा दिन हॉलीवुड में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आधे दिन के बाद ये होटल चेकआउट करके हम चले जाएंगे यहाँ से। तो एक बार आप यहाँ से रूम से कैसा व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ रूम से व्यू। ये छत है रूम की, मतलब होटल की, और यहाँ से होटल से कुछ ऐसा व्यू है। सामने पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं, सामने एक कोई हाईवे है। और आपको हॉलीवुड साइन यदि नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपको ये सामने जो वाइट दिख रहा है एकदम पहाड़ी के ऊपर, वो है हॉलीवुड साइन। चलो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के और जाके आपको दिखाते हैं हॉलीवुड साइन। और वहाँ पे है एक ग्रिफ्त करके, ग्रिफ्त ऑब्जर्वरी, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और फिर उसके बाद जाएंगे हॉलीवुड स्ट्रीट पर, जहाँ पे कि हॉलीवुड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, म्यूजियम है, तो वहाँ पे जाएंगे। और भी बहुत सारे प्लान हैं, तो धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देखने में। तो चलो अभी बिना किसी देरी के चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे ग्रिफ्त ऑब्जर्वरी में। और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये एक बिल्कुल मतलब साइंस के रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जान सकते हो। तो अभी हम सीधे जा रहे हैं अंदर, और यहीं इसके जस्ट सामने है हॉलीवुड साइन, जो यहाँ से एकदम दिखता भी है ऊपर से, वो आप सामने देख सकते हो, वो है हॉलीवुड साइन। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन हम कल जाएंगे, जो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से दिख रहा है लेकिन वहाँ पास से दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखता है जहाँ पॉइंट से। चलो अभी अंदर चलते हैं। तो इधर यहाँ पे है टेलीस्कोप के लिए, तो शायद ऊपर टेलीस्कोप लगा हुआ है जहाँ से हम एले देख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम पूरी हाइट पे है। एले में सबसे ऊपर ये है, तो पूरा लॉस एंजलस दिखता है यहाँ से इस बिल्डिंग से, और ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से लॉस एंजलस। और आप इससे भी देख सकते हो जहाँ से, वो आपको बहुत प्यारा नज़ारा दिखेगा। लेकिन इससे टेलीस्कोप से देखने के लिए आपको उसमें 50 सेंट डालने पड़ते हैं, मतलब 2 क्वार्टर डालने पड़ते हैं, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा है ग्रिफ्त ऑब्जर्वरी। थोड़ा सा अंदर जाके अभी आप दिखाते हैं तो अंदर कैसा है, क्योंकि अंदर यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है कि आपका पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे दिन होता है, कैसे रात होता है, कैसे जितने भी स्टार्स हैं वो कैसे मूव होते हैं, आपका पृथ्वी कैसे काम करती है, कैसे चलती है, तो उसका पूरा विश्लेषण वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लाइव में कभी भी यहाँ पे आते हो हॉलीवुड में, तो मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। यदि आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, कि मून के कितने फेज़ होते हैं, सीज़न कितने होते हैं, और वो कैसे कैसे काम करते हैं, पूरा डिटेल एवरीथिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं बाहर। अपने पास इतना टाइम है नहीं कि हम इन चीज़ों को पढ़ें यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि नहीं तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो अभी चलो चलते हैं बाहर और फिर जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइस, जब हम ग्रिफ्त ऑब्जर्वरी गए थे तो वहाँ से आके हम लोग सो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कहीं घूमने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। एक स्ट्रीट है जहाँ पे हॉलीवुड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी चलो हम डायरेक्ट मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो गाइज, हमने यहाँ पे भी गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, और ये है टिकट, $20 पर डे का है। और आप जैसे ही यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम है एक्चुअली मेन रोड पे, तो मेन रोड से वैक्स म्यूज़ियम के जस्ट सामने से एंटर होते हो तो वहीं पे एकदम पार्किंग है बहुत सारी। यहाँ पे है एक, पीछे भी है, तो यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग है, लोगों का बिजनेस है भी, लोगों का जिनके स्पेस होंगे। तो चलो अभी चलते हैं मेन रोड पे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे, वैक्स म्यूजियम में जाके देखते हैं। जिस लोगों ने कमेंट किया था अपने अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार्स का, तो मैं जाके कुछ ना कुछ उनके रिलेटेड मेरे को वैक्स म्यूजियम या कहीं पे जो कुछ भी दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो मेरे पास लिस्ट है, तो मैं उन लोगों के कमेंट ध्यान में रखूंगा। अभी आ गए हैं बिल्कुल एकदम मेन स्ट्रीट पे,
तो इस स्ट्रीट को यहाँ पे हॉलीवुड BLVD बोलते हैं, लेकिन ये जो फेमस है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वॉक ऑफ फेम है। वॉक ऑफ फेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नीचे स्टार्स दिख रहे होंगे टाइल्स पे, तो इन टाइल्स पे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो इसको पूरा ये कुछ 1.5-2 माइल का रोड है जिसको वॉक ऑफ फेम बोलते हैं। रोड के दोनों साइड में ही ऐसा है, जितने भी हॉलीवुड स्टार है सबका नाम यहाँ पे है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे रोड साइड परफॉर्मर दिखेंगे, कोई डांस करता हुआ, कोई कुछ रूप भर के, कुछ ना कुछ मतलब जो जिसका टैलेंट जिसको लगता है वो। बहुत सारे रहते हैं कि जो स्पाइडरमैन या फिर बैटमैन बन के बच्चों के साथ की फ़ोटो क्लिक कर लो, और फिर ये इन सब का ये जॉब जो है ये सब टिप लेते हैं, कोई $5, कोई $10, $20, तो ऐसे टिप पे इनका यही जॉब है, डेली इनका यही काम है। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अपने को कौन कौन हॉलीवुड स्टार के नाम दिख रहा है यहाँ इस वॉक ऑफ फेम पे, और साथ साथ ये जितने भी परफॉर्मर हैं इनको भी देखते हुए जा रहे हैं। सामने आप देखो जोकर का भी फिर रूप भर के एक आ रहा है ये। तो यदि मुझे जिसका भी दिखेगा कोई फेमस मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी हम देखते हुए ऐसे जा रहे हैं। ये मोस्ट हैपनिंग प्लेस है इस एरिया का यहाँ पे हॉलीवुड का, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे नाम है जो, और ऐसे ही इधर अभी माइकल जैक्सन भी दिखा था अपने को पीछे। तो ऐसे ही हम घूम रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैक्स भी बनवा रहे हैं। देखो वैक्स, जिसका जो टैलेंट ऐसे यहाँ पे बैठ जाते हैं और इनका यही काम है। और ऐसे घूमते घूमते ही अपने को पहला मिल गया है विन डीजल का। तो एक भाई ने ख्वाहिश की थी विन डीजल के नाम को ढूंढने की कहीं पे कुछ, तो उसके रिलेटेड तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको ये नीचे दिख रहा है नाम के नीचे, ये इनका काइंड ऑफ अवार्ड है, ये कैटेगरी होती है कि ये सेलिब्रिटी किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो टाइल इनके नाम की है ये काइंड ऑफ इनके लिए एक अवार्ड है। यहाँ पे टॉम क्रूज के नाम का यहाँ पे आप टाइल देख सकते हो, स्टार वॉक ऑफ फेम के ऊपर। कि अभी चलो सामने हम जाएंगे, सामने है वैक्स म्यूज़ियम थोड़ा चलने के बाद में। तो अभी वैक्स म्यूज़ियम में अंदर जाके देखते हैं कि टिकट कितने का है, क्या क्या है, और फिर देखते हैं यदि टिकट ज़्यादा महंगा सस्ता हुआ, बजट में हुआ, मतलब सस्ता महंगा नहीं, जो बजट में हुआ, तो आप लोगों को दिखाएंगे अंदर भी किस किस सेलिब्रिटी के वैक्स हैं वहाँ पे। सो फाइनली हम आ गए हैं वैक्स म्यूजियम के अंदर। $50 का टिकट था दो लोगों का। तो यहाँ पे जितने भी सारे हॉलीवुड स्टार्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके पहचान के, आप पहचानते रहो अपने अपने को जो जिसका फेवरेट है। अभी चलो था गाइस हॉलीवुड की एक मेन स्ट्रीट जहाँ पे दिखता है बहुत अच्छा सा नज़ारा, हॉलीवुड का वैक्स म्यूजियम है। तो
एम सॉरी कि यदि आपको ऑडियो अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि क्या है ना कि मेरा जो आईफोन है उसकी स्पेस फुल हो चुकी है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को उसको खाली करना पड़ेगा पहले, और यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको खाली करूँ। तो मैं अभी अपने नॉर्मल दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस पर माइक काम नहीं करता, तो उसके लिए सॉरी। तो ये था यहाँ पे, अभी हम जिसके बाद जा रहे हैं अर्बन लाइट्स, देखते हैं वहाँ पे अर्बन लाइट्स पे क्या है। वहाँ का सुना है मैंने बहुत अच्छे लाइट्स रहते हैं, तो वहाँ पे जाके दिखाते हैं। और चलो देखते रहिए वीडियो को। सो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, ये हैं अर्बन लाइट्स। यहाँ पे कुछ ही नहीं है, सिर्फ ये थमले लगे हैं और इन पे कुछ लाइट्स लगी हैं बहुत पास। ये एक अपने आप में अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। देखो कितने सारे लोग हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लाइट्स के बीच में। तो जितने भी पॉइंट हैं मैं सारे आपको दिखा रहा हूँ। ये थी अर्बन लाइट्स। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, अपने को बहुत मज़ा आया यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करने में, बढ़िया बढ़िया। तो चलो अभी चलते हैं घर पे और घर जाके करते हैं इस वीडियो की एंडिंग, तो क्योंकि अभी इसके बाद अभी अपने को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ लंच डिनर करना है। तो चलो अभी चलते हैं घर। सो गाइस रात को हम कुछ तो शायद 10:30-11 बजे आए थे वहाँ से, हॉलीवुड जो मेन स्ट्रीट है वहाँ से, म्यूज़ियम वगैरह देखने के बाद में। और फिर आके मैंने वीडियो एडिट की एक, तो मेरे को करीबन कुछ तो 1:30 बज गया। तो रात में ऐसे ही सो गया इस वीडियो को बिना एंड किए। तो चलो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, ये वीडियो सिर्फ मैं अब एंड कर रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं इसके बाद एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।